ओके ठीक है जी, तो इस तरह का कलेक्शन देख सकते हैं देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये बेबियों के लिए ये काफी अच्छा कलेक्शन है। ये वाली देखिए, छोटी बड़ी सारी साइज की स्पीकर मेरा मिल जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए काफी इतना अच्छा लग रहा है ना कि इनका मॉडल रुपए का आपको कैमरा मिल जाता है जी। ठीक है, इस तरह की ये देखिए, ठीक है ना, तो देख सकते हैं ना काफी आइटम है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, तो मिल जाती है। बैटरी खराब हो गया तो देखिए, यहाँ देखिए काफी सारे आइटम है भैया, फ्रेश आइटम है। ठीक है ना, मैं आपको ठीक है, और ये 15-30 रुपए का ये मिल जाएगा यहाँ पे। और देखिए इतने बड़े साइज की आ रही है, आप पता कर सकते हैं गारंटी वारंटी ये पैरिंग वगैरह निकाल रेंज में आपको मिल जाती है। नमस्ते दोस्तों, सुनीता रौनक ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपको कबाड़ी मार्केट, जो लाजपत राय मार्केट में पड़ती है। और ये सिर्फ नाम का कबाड़ी मार्केट है, यहाँ पे नया पुराना दोनों सामान मिलने वाला है, होलसेल रिटेल दोनों में मिलती है आपको। अगर मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करे। तो मैं मार्केट पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी, तो मेरे वीडियो में बने रहे, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करे। और इस मार्केट में आने के लिए आपको सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन पड़ने वाली है, चांदनी चौक का गेट नंबर 2 से आप आते हैं तो बिल्कुल सीधा कोड़िया पुल पड़ती है। यहाँ से आप फर्स्ट गली ही अंदर आएंगे, कोड़िया पुल पार करते ही तो आपको फर्स्ट जो गली मिलेगी ना वो कबाड़ी मार्केट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सामने देख सकते हैं जी, ये कोड़िया पुल है, और यहीं से देखिए फर्स्ट गली जो मिलेगी ना, ये देखिए सामने फर्स्ट गली है, और अंदर जाते ही आपको ये कबाड़ी मार्केट के नाम से बहुत फेमस है ये जो गली गई हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आज नया यहाँ पे क्या आया हुआ है मार्केट के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं किसी दुकान में, पता करेंगे कलेक्शन यहाँ पे क्या चीज़ मिलता है, क्या नहीं मिलता, किस रेट में। तो चलिए इन भैया से पता करते हैं। तो देखिए इस तरह का आपको कलेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन सॉरी भैया, आपका जैसे मैंने दुकान कवर करी ना, मेरा माइक में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आवाज़ नहीं आई। तो मैं आप लोगों से भी मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, देखने वालों से जितने मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, तो इनका रेट मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं रेट भूल गई हूँ इनका। भैया ने बताया था मेरी माइक में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आई भैया के, और मेरी भी आवाज़ नहीं आई यहाँ पे। तो मैं सोची आपको कम से कम कलेक्शन दिखा दूँ, आप इन भैया के पास आए तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सके, क्योंकि इनके पास ना कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। तो देख सकते हैं इस तरह के, मतलब आपको चार्जर इस तरह के आइटम है काफ़ी सारे हैं इनके पास, जो आपको मिल जाएंगे और काफ़ी वाजिब दाम में ही मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे ना फ्रेश माल है, और ये लीड मिल जाती है, जो तो लीड तो मुझे याद है भैया ने 25 रुपये का बोला था, ठीक है। तो ये सारे होल सेल का रेट बताया भैया ने मुझे यहाँ पे, कि होल सेल में कम से कम आपको 10 पीस 6 पीस लेना ही पड़ेगा तभी आपको इस रेट में मिलेंगी। तो देख सकते हैं ना, केवल इसका काफ़ी अच्छा है, लीड का भी, तो इस तरह की लीडें मिल जाती है मात्र 25 रुपये में। ये होलसेल का रेट मैं आपको बता रही हूँ। तो इनके पास में जो जितना भी सामान देखी ना इनके पास, काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोची चलो भाई मैं इनका थोड़ा सा ये कर दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा खुद की गलती की वजह से, मेरी गलती क्या है मतलब माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो देखो इस तरह का आपको यहाँ पर सामानें मिल जाती हैं, जैसे एयरबड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्योंकि इनका रेट मुझे याद नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ, तो ठीक है ना, तो आपको मैं रेट नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे कम से कम आपको 350-400 से स्टार्टिंग मिल जाती है, ये मुझे याद है भैया ने बताया था। और सबका अलग अलग रेट होने वाला है, तो आप आते हैं यहाँ पे तो आप पता करें इनके शॉप के अंदर, देख सकते हैं ना काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह इस तरह की आइटमें मिल जाती हैं। ये देखिए जी, ठीक है, तो ये ब्लूटूथ स्पीकरें मिल जाती हैं, तो इनका भी अलग अलग रेट आपको मिलने वाली है। तो जैसे मैंने बताया मेरे माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर इनकी आवाज़ नहीं आई है, लेकिन इनके शॉप के अंदर से मतलब सामान मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा भाई काटना बेकार है किसी का, ठीक है, इतना मैं मेहनत करके लेके आई थी वीडियो उठा के इतने दूर से, तो इस वजह से मैं ये नहीं हटाई। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ फिर से कि इनके कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और देखिए स्पीकर छोटे से भी आप ले सकते हैं, बड़े स्पीकर भी ले सकते हैं, जैसे छोटे बड़े सारे साइज़ें मिल जाएंगे। और इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा भैया का मतलब शॉप डालना चाहिए, ठीक है ना।
और देखिए जी भैया का ये बोट है ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो आप इन भैया के शॉप के अंदर आप आ सकते हैं। ये 34 रुपए का पैकेट है, कितने पीस है भैया इसमें? तो 21 दिए मिल जाते हैं 34 रुपए का। तो ये लाइट से जलने वाली है ना, पानी से जलने वाली नहीं है? ओके, तो ये पानी से जलने वाले भी दिए रखते हैं भैया। और इस तरह के आपको ना लाइटें मिल जाती हैं दीपावली के सजाने के लिए, काफी आइटम है एक बार। तो ये लड़िया बताएंगे क्या भैया, किस किस रेंज में है? तो 15-15 मीटर कितने रुपए के आ जाएंगे? ये सिंगल और रिटेल में लोगे तो 50 रुपए। अच्छा, तो होल सेल में लेते हैं तो 42 रुपए का और रिटेल में लेते हैं तो 50 रुपए का। ठीक है जी, तो काफी आइटम है इन भैया के पास, ऐसे मिल जाते हैं। और ये दिए भैया जो है सामने, हाँ, ये 60 रुपए का सिंगल स्टेप है। अच्छा, ऊपर स्टेप लेते रहोगे 20 रुपए पर स्टेप बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है जी, तो इस तरह का कलेक्शन देख सकते हैं। और काफी सजावट के भी सामान है इन भैया के पास आपको मिल जाते हैं। ये स्वास्थ्य मिल जाती है गणेश जी का। ठीक है, ये कितने का पैकेट है भैया? 120। तो ये लाइट भी है ना इसमें? हाँ जी, लाइट भी। ठीक है, तो ये देखिए जी, दिखा दूं मैं आपको थोड़ी सी, काफी अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से स्वास्थ्य इसमें मिल जाते हैं, काफी सारे आइटमे हैं यहाँ पे, लाइट के कलेक्शन आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये कितने का पड़ जाएगा भैया? 150। तो ये बॉक्स पड़ जाएगा 150 रुपए का जी। ठीक है, 5 पीस ना भैया? ठीक है, 5 पीस मिल जाता है जी। ठीक है, तो कलेक्शन देख सकते हैं, काफी सारे आइटम है भैया। और ये वाली लाइट है जो घूम रही है, इसको क्या लाइट बोलते हैं? ये सिलाटू बोलते हैं, सिलाटू बोलते हैं। ओके, तो ये किस रेंज में मिल जाएगा? ऊपर वाला 65, नीचे वाला 45। तो ऊपर वाला 65 रुपए का बड़ा साइज है, छोटा वाला ये 45 रुपए का मिल जाता है। देखा था, इस तरह के आइटम में इन भैया के पास आपको मिल जाता है। और स्टार में कितने का? 210। अच्छा, तो ये स्टार वाला ना, छोटा बड़ा दोनों सेम रेट है भैया? नहीं, पूरा पैकेट है। अच्छा, पूरा पैकेट है 200 रुपए का जी। ठीक है, तो इस तरह कलेक्शन आप देख सकते हैं, इस तरह के आपको ये वाली मिल जाता है। ठीक है ना, तो काफी सारे आइटम है इन भैया के शॉप के आने पर। और ये 22 रुपीज का मिल जाते हैं आपको, इस तरह के कलेक्शन ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 4-5 कलर मिल जाएंगे आपको। घंटे भी हैं छोटे बड़े, तो ये घंटे मिल जाते हैं छोटे बड़े साइज के। तो ये किस किस प्राइस में है भैया? बड़े वाले, सबसे बड़े वाले बता दीजिए। 150 का मिल जाता है जी। छोटे वाले 180 का सेट है, 4 पीस का। ओके, तो 180 का 4 पीस का सेट मिलने वाला है जी। ठीक है ना, ये भैया का शॉप नंबर है, आप होलसेल रिटेल दोनों में आपको मिल जाएगा। दुकान के अंदर आते हैं तो जी, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भैया से यहाँ पे आके, और परचेज भी जरूर करें। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको, चलते ही। सेल डालने, अच्छा सेल डालना पड़ेगा। ये 20-20 रुपए का आपको ये टॉर्च मिल जाती है जी। ठीक है ना, तो उसमें सेल डालेंगे तभी चलेगा। तो भैया चेक करके देते हैं ना जी? चेक करके नहीं देते मैडम। चेक करके नहीं देते, ऐसे दोगे? हाँ ऐसे ही, 20 रुपए का। तो 20 रुपए का भैया ऐसे ही देंगे जी, चेक करके बिल्कुल नहीं देंगे। तो देख सकते हैं ना, इस तरह की आइटम आपको मिल जाती है, लेकिन चेक भैया नहीं करेंगे बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये कितने का भैया? ये 50 की। तो ये 50 रुपए की मिल जाती है जी। ठीक है, तो इस तरह का आइटम है इन भाई के शॉप के अंदर आपको मिल जाते हैं जी। ये देखिए, सॉरी, तो ये देखिए जी, भैया के पास ना काफी अच्छा कलेक्शन आपको ईयरबड मिल जाते हैं, और ये 300 रुपए के रेंज में बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह का कलेक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये स्पीकर है भैया, कितने की है? ये देखिए जी, 450। तो ये भैया गाना बंद कर देंगे क्या, कॉपीराइट आ जाएगी? 450 की बोल रहे ना, तो ये 450 रुपए की स्पीकर मिल जाता है जी आपको। ठीक है, तो ब्लूटूथ स्पीकर है ये, काफी बड़ा साइज है, देखिए काफी खूबसूरत डिजाइन भी इसके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह का कलेक्शन इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाते हैं जी। ये देखिए, ठीक है, काफी अच्छा कलेक्शन। और ये कबाड़ी मार्केट ना, ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, तो आप ये मत पूछिएगा कौन सी चीज कहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। तो देखिए, इस तरह के काफी सारे आपको कलेक्शन आइटम मिल जाते हैं दुकानों के अंदर, तो आते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज संडे है तो बहुत भीड़ मिल जाती है भैया। बच्चों के आइटम बताएंगे क्या? तो ये बच्चों के लिए आइटम देख सकते हैं जी, मात्र 50 रुपए मिल रहा है। और ये सारे ना फ्रेश न्यू माल दिखा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बेबियों का है तो जो किसी का यूज किया होता है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ना फ्रेश माल है। देखिए, ठीक है ना, इसका कलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और ये भैया 20 रुपए का, तो और ये बोतलें मिल जाती है जी मात्र 20 रुपए। तो बच्चों को पानी पीने के लिए ना, छोटे बेबियों के लिए ये काफी अच्छा कलेक्शन है। ये देखिए,
तो ये देखिए जी, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, मात्र 50 रुपए का सेल लगा देंगे। भैया बोल रहे हैं ये सब 50 रुपए का सेल में है, ठीक है ना। तो देखिए काफी सारे आइटम है जो की मिल जाती है, और ये टॉर्च भी मिल जाती है। तो भैया टॉर्च चेक करके देते हो क्या? चेक करके नहीं, अच्छा दो दो घंटे चार्जिंग करेंगे ना तब ये भाई चालू होगा, ठीक है ना। तो इसका कलेक्शन लेकिन आपको मिल जाती है, काफी आइटम है। और ये अलार्म है ना भैया, 50 रुपए का, अलार्म 50 चाहिए। तो ये अलार्म मिल जाते हैं मात्र 50 रुपए का, ठीक है ना। तो इस तरह का कलेक्शन आपको, और ये सारे ना मशीनी आइटम है, तो इनका नाम नहीं पता, तो वो आप जानो, ठीक है ना। जो भी मैकेनिक है, होम थिएटर का सामान है, ओके। तो ये भैया बता रहे होम थिएटर का सामान है, क्योंकि मैं तो जानती नहीं, मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ, ठीक है। तो काफी सारे आइटम है इस तरह के, काफी अच्छे कलेक्शन देखने को मिल जाता है इस तरह के आपको। तो ये भैया ये कैसे दे रहे हो, इनका प्राइस क्या? 150 रुपए का। तो ये 150 रुपए का, ठीक है, चालू में है, ठीक है। तो ये सारे कंपनी के बता रहे हैं भैया, इसका इनका भी 150 रुपए, ये 250 रुपए का और ये 250 रुपए का। तो भैया के पास ना दो रेट में आपको मिलने वाला है जी, ये देखिए, ठीक है ना, काफी अच्छा कलेक्शन है। और स्पीकर का तो काफी सारे इनके पास आइटम है। तो ये बोट की घड़ी मिल जाती है कितने की भैया? 1250 रुपए की, ठीक है, काफी आइटम है। देखिये इन भैया के शॉप के अंदर ना आपको स्पीकर में तो काफी सारी मिल जाती है, और ये छोटे छोटे स्पीकर मिल जाती है काफी सारे। तो ये मोटर मिल जाती है जी, कितने का है भैया मोटर? ये 100 रुपए का। ये किस चीज का मोटर है भैया? फर्स्ट बार देख रही हूँ। अच्छा मसाजर की, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इस तरह के स्पीकर मिल जाती हैं, तो इस तरह के आइटम मिल जाती है काफी सारी। देखिए इस तरह की भैया के पास स्पीकर मिल जाते हैं। भैया स्पीकर कितने की है भैया? ये स्पीकर बताएंगे क्या? अरे वो कौन मल्लिकार का लिया भैया स्पीकर? आग फेंक दीजिए भैया। 500 रुपए का, तो ये स्पीकर मिल जाता है जी 500 रुपए का, ठीक है ना। काफी सारे आइटम मिलने वाली है। ये आपको इमरजेंसी लाइट मिल जाती है, ये कितने का है भैया? 100 रुपए। तो ये 100 रुपए का है, तो ये जलती है भाई? जला के चेक कराओगे? चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा चार्ज करनी पड़ेगी, चार्ज नहीं है इसमें। तो मैं आपको जला के भी दिखा देती, चेक कर देती, ठीक है ना। तीसरा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा जी। तो कलेक्शन देख सकते हैं ना, काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये पंखे किस चीज के हैं भैया? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जिन भैया के शॉप के अंदर ना आपको स्पीकर और काफी सारे आइटम भी मिलने वाली है। देखिए छोटी बड़ी सारी साइज की स्पीकर मिलने वाली है ये देखिए, ठीक है ना। तो भैया का शॉप नंबर 18 तो दिख ही नहीं रहा भैया, ओके। तो ये शॉप नंबर 18 है, सारा इनके पास स्पीकर का ही मतलब काम है इनके भैया के पास। तो भैया ये स्पीकर है कितने कितने की है बताइए? तो 500 रुपए का जोड़ा मिल जाता है, इतना बड़ा साइज का स्पीकर जी, ठीक है ना। और ये वाले जो पंखा है भैया, ये बताए तो ये किस चीज का पंखा है? ये पंखा है हवा वाला, बच्चों का। अच्छा बच्चों के लिए हवा वाला, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं। इस तरह का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी काफी। और ये लाइट भैया? 200 रुपए की। तो ये 200 रुपए की लाइटें मिल जाती हैं जी। तो काफी सारे स्पीकर मिल जाते हैं स्पीकर के अंदर। तो आपको ये देखिए काफी अच्छे अच्छे आइटम मिल जाती हैं यहाँ पे, काफी सारे कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी भैया। और ये बॉक्स भैया स्पीकर वाले? 400 रुपए का जोड़ा है। तो ये 400 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और देखिए काफी सारे, जैसे मैंने दिखाया कलेक्शन, आपको काफी सारे मिलने वाले हैं इन भैया के शॉप के अंदर। ये कार की लाइट है 200 रुपए पीस की। तो ये 200 रुपए पीस दे रहे हैं भैया लाइट, ठीक है ना, 200 रुपए पीस। ये कार क्या है ये? कार की लाइट लगती है, कार की लाइटें हैं ये, कार बाइक के लिए। तो ये देखिए काफी है इनके पास, ठीक है ना, इस तरह की लाइटें मिल जाती है काफी सारी। तो ये डिब्बा देख सकते हैं कि, ठीक है ना भैया, सब खोल के नहीं दिखा रहे, इस तरह कलेक्शन आपको देखने को लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए तो काफी आइटम है ना, इस तरह कलेक्शन आप देख सकते हैं भैया के शॉप के अंदर। शॉप के अंदर इनके ना काफी बड़े बड़े से आपको यहाँ पे स्पीकर के कलेक्शन है, तो स्पीकर ही मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और भैया ये MP3 है ये भैया 200 रुपए का मिल जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखिए इनका ना पूरा सामान यहाँ पे है भैया के पास यहाँ पे, ये देखिए जी, इस तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए स्पीकर का कलेक्शन आप देख सकते हैं। भैया कितने कितने के स्पीकर है? तो ये स्पीकर मिल जाता है आपको 300 रुपए में। इसका मॉडल देख सकते हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में, मतलब देख के काफी इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इनका मॉडल जो है ना बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बहुत सुंदर स्पीकर है। ये सारे ब्लूटूथ स्पीकर आने वाले थे इन भैया के शॉप के अंदर। आपको काफी सारे इस तरह की आइटम है देखने को मिल जाएगी। ये देखिए तो ये देखिए जी मेरे के पास में आपको कैमरा मिल जाता है। ये देखिए ये कैमरा कितने का भैया? अब यहाँ भी नहीं मान रहा। कैमरा 50 रुपए का आपको कैमरा मिल जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरे में भी आपको काफी सारे आइटम मिलने वाली है। वो तो ढाल वहाँ कहीं नहीं जा रही। ये देखिए तो ना काफी सारे आपको कैमरा में आइटम मिल जाते हैं। ये देखिए ठीक है ना, तो काफी आइटम है इनके अंदर। और ये अलार्म भैया, अलार्म ही है ना ये? ये कितने का है? एक बार गिनती मार भैया। दो बार मार साले को भैया। अलार्म बता रहा ज्यादा हो तो दो ये 50 रुपए का अलार्म मिल जाता है, ठीक है। तो कम हो तो निकाल। बहुत सारे आइटम है इन भैया के पास। इनका दुकान बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये सेल कैसे दे रहे भैया? ये वाली 50 के 2। तो ये 50 के 2 सेल मिल जाते हैं जिनके पास। देखिए काफी सारे आइटम है आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। मुझे तो नाम भी नहीं पता, बहुत सारे आइटम है इस तरह से। ये देखिए जी तो ये भैया का शॉप है, इनका नंबर देख सकते हैं। और भैया होलसेल रिटेल दोनों में आप यहाँ परचेज कर सकते हैं जी आके। तो देखिए जी यहाँ पे ना आपको काफी सारे आइटमें मिल जाती हैं इस तरह के। ये देखिए, और जैसे वॉशरूम किचन का आपको टूटी है इस तरह के, आपको जैसे पेड़ पौधों में पानी डालना है तो सोबर और क्या कहते हैं तो गाड़ी वगैरह धोने के लिए काम आ जाते हैं। काफी सारी आइटमें इन भैया के शॉप के अंदर मतलब मिल जाती है। तो इनका रेट मैं पता करके ही बताऊंगी। भैया भी थोड़े से बिजी है। और देखिये आपको जैसे इस तरह से नाली में रखने के लिए चलनी वगैरह, ये सारे आइटमें, सोबर वगैरह काफी सारे आइटमें मतलब मिल जाती है जी। देखिए तो 800 रुपए का जोड़ा ये लाइटें पड़ जाती है, ठीक है ना। और ये टूटी भैया तो ये 200 रुपए के स्टील की टूटी पड़ जाती है आपको, ठीक है ना। तो भैया बिजी है वैसे अभी बहुत ज्यादा। और ये भैया और ये 100 रुपए का पड़ जाएगा जी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ना काफी आइटम है जैसे भैया के पास ना। तो भैया अभी बिजी भी। और भैया ये सावन तो 250 का 150 का 200 का, ठीक है। छोटा बड़ा साइज के हिसाब से 20-30 रुपए का ऊपर नीचे बस है जी, ठीक है ना। ये देखिए कलेक्शन आप देख सकते हैं, काफी सारे कलेक्शन को देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए अलग अलग डिजाइन में आपको शावर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं भैया इनका रेट बताएंगे क्या? 250। ये 250 की है। तो ये आपको ईयरबड मिल जाते हैं जी 250 रुपए का। भैया खुल रही नहीं है, खोलना भैया दिखा दे थोड़ा सा। तो ये देखिए जी, ठीक है, इस तरह कलेक्शन मिल जाएंगे आपको। और इनका रेट भैया 450। तो ये 450 रुपए में मिल जाते हैं जी, ठीक है ना। कलेक्शन आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोट का भी मिल जाते हैं इनमें, तो इनमें भी आपको काफी अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए जी बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो इस तरह का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाए। फिर एक पास ना काफी सारे आइटमें देखने को आपको मिल जाती है। वैसे ये देखो जी काफी आइटमें हैं, ठीक है ना। और ये भैया 300। तो ये 300 रुपए का जी। तो ये सारे भैया ना आपको रिटेल में ही भी दे देते हैं, और होलसेल में लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए और भी आगे बढ़कर आगे दिखाते हैं। तो इन भैया के पास भी सेम चीजें हैं, ठीक है ना। तो भैया कितने कितने के हैं? 450। तो ये 450 रुपए का मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे ना कंपनी के हैं, बोट के मिल जाते हैं आपको। तो देखिए जी काफी सारे आइटम है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। भैया इसका प्राइस क्या है? 550 रुपए। तो ये 550 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एप्पल का ओरिजिनल एप्पल है भैया, तो ओरिजिनल एप्पल बता रहे हैं, ठीक है ना भैया। और भैया घड़ी कैसे दे रहे हो? घड़ी 550। तो ये 550 रुपए की घड़ी मिल जाती है जी अल्ट्रा का, ठीक है ना। तो काफी सारे आइटम इन भैया के शॉप के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। ये कितने का भैया? रियलमी का 350। तो 350 रुपए का रियलमी का मिल जाते हैं। और तो ये वन प्लस का 450 रुपए का मिल जाएगा जी, ठीक है। इस तरह से कलेक्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इंडक्शन चूल्हा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो भैया कैसे दे रहे हैं इंडक्शन चूल्हा? ये अभी हमारे पास फिलिप्स का पूरा लॉट आया है।
कितने का है? 1300 रुपए का दे रहा। तो ये फ्लिप्स का 1300 रुपए का दे रहे हैं, 6 महीने के वारंटी के साथ दे रहे हैं जी, ठीक है ना। तो इनके पास देख सकते हैं ना, इस तरह का आपको आइटमें मिल जाएंगी काफी सारे, ये इमरजेंसी के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। और ये भी बेचते हैं भैया हेलीकॉप्टर, ये कितने का हेलीकॉप्टर है? 100 रुपए का दे रहे हैं। तो ये 100 रुपए का रिमोट से चलती है? रिमोट से चलती है जी, बहुत खूबसूरत लगी है देख के। इस तरह का कलेक्शन इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाती है। कभी भी मैं आती ना तो भैया का शॉप में जरूर कवर करती हूँ, इनके पास काफी सारे आइटम होती हैं। और ये भैया का फोन नंबर, भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। भैया रिपेयर सिपेयर भी करते हैं, अगर कुछ भी आपको रिपेयर करवाते हैं इनमें से तो ये मोबाइलें मिल जाती हैं जी मात्र 200 रुपए की रेंज में। और ये भैया ये बर्ड आपको कैसे दे रहे हो? ईयरबर्ड ये कितने कितने के? 400 रुपए का। और किसी भी मोबाइल का आपका बैटरी खराब हो गया तो देखिए जी यहाँ पे ना बैटरी मिल जाती है। तो भैया बैटरी कितने कितने की मिल जाती है? 50 रुपए की जी, ठीक है ना। इस तरह के आइटम मिल जाते हैं, काफी सारे आइटम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी दिखाते हैं। तो ये देखिए जी भैया के पास ये स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर भी है, माइक और माइक भी है, दोनों काम आ जाएंगे, ठीक है। कितने का भैया? माइक 200 रुपए का। तो ये 200 रुपए के मिल जाएंगे जी, ठीक है ना। और इनमें आपको कलर मिल जाती है, देख सकते हैं ना कलर मिल जाएंगी। तो इनके पास कलेक्शन काफी अच्छा लगा देखते इस तरह के। और ये भैया जो हेयर स्टाइल कटिंग करने वाला है बाल की, तो ये 250 रुपए की, ठीक है। मुझे नाम नहीं पता होता, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो काफी आइटम है इन भैया के शॉप के अंदर, ये देखिए जी ताकि आपको कलेक्शन देखने को मिल जाती है। और भैया ये बड़ी वाली टॉर्च कितने की है? ये हाँ 200 की। और ये 200 रुपए की मिल जाती है, जितना बड़ा साइज का टॉर्च है। तो भैया ये चार्ज से चलती है कि अच्छा, तो चार्जिंग करोगे तो चल जाएगी जी, ठीक है ना। तो काफी सारी आइटम इस तरह के वो देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो ये देखिए जी गोल्ड पिन वाला चार्जर लगेगा ना? हाँ हाँ बना रहे आपके भी। और ये छोटे छोटे स्पीकर है, ये स्पीकर तो ये 100 रुपए के स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर है, 100 रुपए की मिल जाती है ये ना, छोटे छोटे साइज की है। तो इनके पास ना हमेशा कलेक्शन काफी अच्छा था। और ये छोटे साइज की टॉर्च भैया, तो ये 100 रुपए की मिल जाती है जी, ठीक है ना। इस तरह का कलेक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, काफी सारी आइटम है इन भैया के शॉप के अंदर, ये देख सकते हैं। तो ये वाले चार्जर भी आपको मात्र 50 रुपए की मिल जाती है जी, ठीक है। इस तरह की ये देखिए ये वाले हैं। तो ये देखिए जी भैया के शॉप के अंदर आपको बैटरी का कलेक्शन मिल जाता है, चार्जर मिल जाती है, ठीक है ना। तो इन भैया के पास ना आपको होलसेल में मिलने वाली है काफी कलेक्शन है, छोटे बड़े सारी बैटरी मिलने वाली है देखिए। तो भैया इसका प्राइस क्या है? 60 रुपए का एक पीस है, तो 60 रुपए का एक पीस पड़ जाता है। जैसे होलसेल में लेते हैं तो होलसेल का ही रेट बता रहे, तो भैया होलसेल का ही रेट बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बताई हूँ आपको, ये सारा ना फ्रेश माल है, नया माल है, तो भैया थोड़ा तो महंगा होगा। और सारे देख सकते हैं। और ये छोटा साइज का भैया, तो ये 35 रुपए की छोटी साइज की है, ठीक है ना। इस तरह कलेक्शन इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाती है ये। तो ये भैया का कार्ड है जी, तो भैया से आप होल सेल में अगर परचेज करना चाहते हैं ये सारे आइटम है तो आप भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। भैया कैसे दे रहे हो? 550। तो ये 550 रुपए का मिल जाता है भैया, थोड़ा खोल के दिखाएंगे क्या? ये देखिए जी ईयरबड बहुत सुंदर लग रही है, तो ये 550 रुपए की मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह का कलेक्शन इन भैया के शॉप के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और घड़ी भैया, ये 750, ये 750 रुपए का मिल जाएगी, ये 950, तो ये 950 रुपए की, ठीक है। और ये 1200 रुपए की। तो भैया अभी ऊपर सैंपल के तौर पे नहीं लगा रखा है, आप डिब्बा दे सकते हैं और आपको ये सारे ना फ्रेश माल ही मिलने वाले, ठीक है ना। इसलिए और यहाँ पे फ्रेश माल का ही रेट भैया बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ देखिए काफी सारे आइटम है। भैया प्रेस कैसे दे रहे हो? 350। तो ये 350 रुपए में आपको प्रेस मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आपको जैसे लच्छी वगैरह बनानी हो ना तो ये मिल जाती है ग्राइंडर। ये कितने का भैया?
तो ये 300 रुपए की मिल जाएगी जी। जैसे लस्सी वगैरह फेंटने के लिए, दही के लिए, किसी भी चीज के लिए काफी अच्छा कलेक्शन था। तो जैसे इनके पास जूस वगैरह के लिए भी, जैसे मिक्सी जार ये कुछ भी चाहिए ना, तो भैया के पास काफी सारी आइटम है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। भैया ये जूस वाली मिक्सी कितने की मिल जाएगी? तो 1000 रुपए की जूस वाली। कितने जार दोगे भैया इसके साथ? कितने जार मिलेगी? 2 जार मिलेगी जी, ठीक है ना। और किसी को अगर जार जार चाहिए होते तो दे देते भैया? अच्छा, तो अभी जार भैया के पास नहीं है, सिर्फ जार भी वैसे मिल जाती है। तो देख सकते हैं सिर्फ काफी आइटम इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं यहाँ पे। तो इन भैया के शॉप के अंदर आप देख सकते हैं जी, चार्जर का कलेक्शन ना काफी सारी है, ठीक है ना। तो सब अलग अलग कंपनी के भी मिल जाएंगे आपको। तो पता करते हैं इनका रेट। तो भैया बताना है इनका? तो ये 40 रुपए का होलसेल का रेट बता रही हूँ मैं आपको, भैया के दुकान में आपको होलसेल में मिलने वाली है। इनका सेम रेट है, अलग अलग है भैया? अलग अलग रेट है। तो कितने का है ये? ये भी 40। तो ये भी 40 रुपए का है जी, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह के, तो ये 35 रुपए का मिल जाएगा आपको। सारे ओरिजिनल कंपनी मिलने वाली है। देखिए काफी आइटम है इन भैया के पास। 25 रुपए का टीएम। तो ये भैया के पास टीएम का मतलब 25 रुपए की, इतना सस्ता क्या बात है, ठीक है ना। ये होलसेल का रेट बता रही हूँ मैं आपको, होलसेल का ही रेट बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह के मिल जाते हैं। कितने का है? और ये 15 रुपए का होलसेल में ही। तो कम से कम आपको 10 पीस लेना ही पड़ेगा जी, तभी मिलेगा ये सारे आइटम है, ठीक है ना। तो इनको 30 रुपए का। अच्छा, तो एक पीस लेते हैं तो 30 रुपए का, मतलब 5-10 रुपए का ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है ना। होलसेल रिटेल के अंदर मतलब इतने का फर्क रहेगा, ज्यादा नहीं। और ये केवल पता करते हैं, EMI का 25। तो ये 25 रुपए का मिल जाएगा, ओके। और ये भैया केवल बताइए? ये 20 रुपए का आएंगे, लाइटिंग वाले डाटा के। अच्छा, तो लाइटिंग वाली डाटा केवल है 20 रुपए की। और ये भी सब होलसेल का रेट बता रही थी मैं आपको, ठीक है। और ये 15 रुपए का, ओके, ठीक है। 18 रुपए का। तो एक पैकेट में कितना होता है भैया इसमें? एक पैकेट में 100 पीस होता है। तो 100 पीस होता है, 100 पीस कितने का मिल जाता है? कम से कम 20 पीस लेंगे तो 18 है। ओके, तो कम से कम 20 पीस आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से मिल जाएंगी 8 रुपए की। 8 रुपए का मिल जाता है जी, ठीक है ना। और लीड का कलेक्शन भैया बताइए थोड़ा? ये आएंगे 20 रुपए पर पीस। अच्छा, 20 रुपए पर पीस मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरह की लीड का कलेक्शन मिल जाती है। और ये आएंगे एप्पल पिन में आएंगे 80 रुपए की। तो ये 80 रुपए की मिल जाती है जी, ठीक है ना। तो काफी अच्छा कलेक्शन है इन भैया के पास। और ये सारे होलसेल के रेट बता रही हूँ मैं आपको, रिटेल का कोई सा भी रेट नहीं बता रही है। ये 18 रुपए का, मात्र 18 रुपए का जी, ठीक है ना। पूरा आपको पैकेट पे लेना पड़ेगा ये तो आपको, ठीक है। इस तरह कलेक्शन आपको लीडे मिल जाती है। ये कितने का है? ये भी 18 रुपए का पैकेट है। अच्छा, 18 रुपए का है होलसेल का ना? होलसेल। और रिटेल में कोई लेता है तो? और रिटेलर में लेंगे तो 30 रुपए। 30 रुपए का। तो रिटेल में लेते हैं तो 30 रुपए का मिल जाएगा जी, ठीक है ना। इसमें ये आएंगे। अच्छा, ये कितने का है? 16 रुपए का। और ये होल सेल में का। और ये रिटेल में लेंगे तो कितने का पड़ जाएगा? 30 रुपए का। मतलब कोई सा भी लो, मतलब 30 रुपए का पड़ने वाले, अगर रिटेल में लेते तो महंगा पड़ेगा। और ये 20 रुपए का होल सेल में ना? तो होल सेल में 20 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। तो सारी चलने वाली के वाले हैं ये सारी, ठीक है ना। तो ये कितने का है रियलमी का? मिलेंगे इसमें 5-6 कंपनी मिलेंगे आपको। अच्छा, ये आएंगे आपको 25 रुपए का होलसेल में। कम 20-30 लेंगे। ओके, ठीक है। तो काफी लीड में कलेक्शन है इन भाई के पास, ये देख सकते हैं। ये 16 रुपए का जी, ये देखिए 16 रुपए का। क्या बात है, 16 रुपए का भैया दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये मतलब होलसेल का रिटेल में रेट बता रही है होलसेल का सारे, ठीक है। तो ये जियो का चार्जर मिल जाता है आपको। ये कितने का है भैया? 24 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी आइटम है इन भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाती है। ये देखिए जी, पावर बैंक है। कितने का है? 80 रुपए का। तो कम से कम 10 पीस लेना पड़ेगा। पावर बैंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कार्ड दिखाना आपका? सिग्नेचर का। तो ये सिग्नेचर का आपको ही मिल जाएंगे, ठीक है ना।
तो इन भाई के पास है जैसे 130 रुपए का इसका प्राइस है, 130 रुपए का ये मिल जाएगा जी, ठीक है ना। तो काफी आइटम है इस तरह के आपको मिल जाती है। अच्छा ये कितने का है? ये भी 130 का है। 130 का है। अच्छा तो ये होलसेल का रेट बता रहे ना, कम से कम 10 पीस लेंगे। तो कम से कम 10 पीस आपको लेना पड़ेगा जी, ठीक है। ये देखो तो ये भैया कार्ड है 161 नंबर, इनका शॉप नंबर है और भैया से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी होलसेल के लिए। तो इन भैया के शॉप के अंदर आपको प्लम्बर का मैकेनिक का सारे आइटमें मिलने वाली हैं, ये देखिए जी, ठीक है ना। काफी आइटम है इनके पास, तो पता करते हैं इनके पास इस रेंज में क्या चीज है। ये प्लास बताना भैया कितने की है? प्लास के मेरे पास कई रेंज है। अच्छा 50 रुपए से शुरू हो जाता है, ठीक है। 50 रुपए 70 रुपए, ठीक है। 50 रुपए 70 रुपए 100 रुपए, ठीक है। तो 50 रुपए से स्टार्टिंग है प्लास का, जैसे लेते हैं उस तरह की आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और देखिए इतने बड़े साइज की आरी भी मिल जाती है। आरी किस रेंज में भैया? आरी जो है 50 रुपए की भी है, ठीक है। तो 50 रुपए की भी 70 रुपए की। ये बड़ी वाली कितने की है? बड़ी वाली 120 रुपए, 120 रुपए की। ये 70 रुपए की, 30 रुपए और ये 30 रुपए की छोटी वाली मिल जाती है, ठीक है ना। तो पेचकस वगैरह है, ड्रिल मशीन है, इस तरह के आइटम है इनके पास वो सारा है। तो भैया जैसे ड्रिल मशीन है कितने हजार की मतलब मिल जाएगी? ये जो है मेरे पास 700 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छा, और 2000 रुपए तक की ड्रिल मशीन है। तो 700 रुपए से स्टार्टिंग है और 2000 रुपए लास्ट है, और सारे कॉपर में है इन भैया के पास, ठीक है ना। तो आप आते हैं तो खुद आप पता कर सकते हैं, गारंटी वारंटी के लिए इस तरह की आइटम मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो और भी कलेक्शन में दिखा देती हूँ, ये सारे आइटम में आपको देखने को मिल जाती है, ये देखिए जी। तो मुझे तो बहुत सी ऐसी चीज है ना जिसका नाम भी नहीं पता, तो आप लोग देखते हैं तो आपको पता चल जाता है, इस तरह की चाबियां वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो काफी सारे सेट है जो आपको समझ आ रही होगी। ये इनका नाम क्या है भैया, ये क्या चीज है? किस... ये अच्छा कारपेंटर के काम आते हैं। तो ये कारपेंटर के सामान है, ठीक है, जो देखेगा वो तो समझ ही जाएगा अपना। और ये अलार्म, ये वाटर अलार्म है, टंकी भर जाती है तो हाँ हाँ है। कितने का है? 100 रुपए का ये अलार्म मिल जाता है जी आपको, ठीक है ना। जो पानी भर जाएंगे तो आपको हम आवाजें लगाएंगे, ठीक है। तो काफी सारे आइटम है, और अब सर्दी आ रही है तो रॉड भी भैया रखे। तो भैया रॉड किस रेंज में है आपके पास? 150 रुपए की। तो 150 रुपए के रॉड मिल जाते हैं जी, तो गारंटी है, पूरे सीजन की गारंटी देंगे भैया आपको, ठीक है। वारंटी ना कि वारंटी में, तो चाबी भी दे सकते हैं, चाबी भी इनके पास काफी सारे मिल जाते हैं। तो चाबी का सेट कैसे है भैया? ये 50 रुपए का। तो ये 50 रुपए का मिल जाएगा जी, ठीक है। तो बड़ी छोटी जैसे लेते हैं उस तरह से मिल जाएगी। पंचर लगाने की किट होती है। अच्छा, ये पंचर लगाने वाली किट जी, ये देखिए, ये इमरजेंसी में गाड़ी में रखे और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, है कि नहीं? ये भी 100 रुपए की। तो ये 100 रुपए की है, तो ये भी 100 रुपए की है। पंचर आते हैं जिसका, अच्छा, बाजार में 50 रुपए एक पंचर लगाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो 5 पंचर लगाने का है ये, देखिए, ठीक है ना। इस तरह की कलेक्शन आपको काफी सारी मिल जाती है, और इस तरह के बोट मिल जाएंगे। तो बोट किस किस रेंज में है? सारे कॉपर में है सारे। अच्छा, कितने कितने के हैं भैया? ये स्टार्टिंग रेंज है 50 रुपए से। तो ये 50 रुपए से स्टार्टिंग है, ये भी 50 रुपए का है, 60 रुपए का है, ठीक है। ये 70 रुपए का है और ये 100 रुपए का है, क्या बात है, ठीक है ना। इतने सारे लीटर और सारे ये कॉपर में है बता रहे हैं भैया यहाँ पे। तो कलेक्शन अच्छा है, आप आते हैं तो यहाँ पे ना चेक करके सामान लेके जाए, चेक करके देते हैं ना भैया ये सारे, तो चेक करके बिल्कुल देंगे जी आपको, ठीक है ना। ये सारे बोर्ड जी, तो जो से भी चाहिए आपको चेक करके ही मिलेगी यहाँ पे। ये प्रेस वगैरह, तो प्रेस कितने की मिल जाएगी? गारंटी में है मेरे पास। अच्छा, कितने की है? 350 रुपए। 350 रुपए की। ओके, और ये भैया लिखते ये सिकाई वगैरह? हाँ, सिकाई करने की कितने की है? तो 100 रुपए का है जी, ठीक है ना। तो लिक्विड वाली है ये, तो काफी अच्छा है ये। तो इस तरह कलेक्शन आपको देखने को मिल जाए। और ये सब, ये बैरिंग वगैरह निकालने का पुलर होता है जी। अच्छा, इसके हिसाब से 30 रुपए का एक इंच होता है। अच्छा, 30 रुपए का एक इंच, तो इंच हिसाब से रहता है जी। तो उस हिसाब से पैसे होंगे जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो काफी अच्छे आइटम है, और सर्दी के लिए तो ये सारी चीज सिकाई करने वाली तो काफी अच्छी होती है जी। तो बिल्कुल, तो ये सारी यूज वाली आइटम है, और काफी सारे आइटम है आप देख सकते हैं भैया के शॉप के अंदर आपको मिल जाती है काफी सारी, ठीक है ना। ये भैया का शॉप है 26 नंबर, ठीक है। तो भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you.
तो ये भैया का कार्ड है जी, भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे होलसेल रिटेल दोनों में आपको मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, बड़ी छोटी कोई से भी लेते हैं भैया बता रहे हैं 800 रुपए, और ये लाल वाला ना 1300 रुपए का भैया बता रहे हैं। तो स्पीकर का कलेक्शन इनके पास देखिए, सारे ये फ्रेश माल है बिल्कुल न्यू है, और ये सारे मतलब 1300 रुपए का 800 रुपए का रेंज में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टीवी देखिए जी, बड़ा साइज का 8500 रुपए का मिल जाएगा, 40 इंची का टीवी है भैया, ये 42 इंची का। तो ये 42 इंची का टीवी मिल जाता है आपको, और ये देखिए छोटी बड़ी सारी साइज मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। और ये बिल्कुल छोटी साइज का, और ये भैया छोटी साइज के, तो ये 3000 रुपए। कितने इंची की है ये? 42 इंची का, 24 इंची का टीवी मिल जाएगी आपको 3000 रुपए में, ठीक है ना। और इस तरह की आपको यहाँ पे काफी सारे ये पंखे मिल जाते हैं, जिससे हवा बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ये सारे ना गाड़ी के हैं, तो इस तरह के आपको मिल जाएंगे। भैया इनका क्या प्राइस है? 100 रुपए 150 रुपए इस तरह के रेंज में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इन भैया के पास इस तरह से देखिए कैमरा लो। भैया कैमरा कैसे दे रहे हो? कैमरा 500 रुपए। तो ये कैमरा 500 रुपए का मिल जाएगा जी, ये देखिए। तो इस तरह से कलेक्शन है। तो कैमरा देख सकते हैं भैया के पास काफी सारे, और ये 500 रुपए का दे रहे हैं भैया यहाँ पे कैमरा इस तरह से, ये देखिए। तो भैया ये बैटरी डलती है इसमें? कितने बैटरी? सेल का भी है बैटरी। अच्छा, सेल भी है बैटरी भी है। तो कितना सेल डल जाता है इसके अंदर? चार सेल। तो ये 4 सेल में चलने वाली है, ठीक है ना भाई। तो ये देखिए बैटरी डलने की जगह ये है, और अब इसमें सेल से भी चलते है, और इस तरह से बैटरी से भी चल जाती है ये। तो ये मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड भी इसमें डलेगी, काफी अच्छे है देखिए इस तरह से। बैटरी वो पड़ेगी, ठीक है। हाँ वो तो पता है, चार्ज कर लेंगे, अगर ऑन हुई तो ऑन हो जाएगी। दोस्तों आज के कलेक्शन आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरी वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।